तो स्वागत है आपका हमारे चैनल करने वाले क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्न वेल सोशल साइंस क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि आपके SST में जो है हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम इस चैप्टर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और आपके जो लर्न वेल साइंस SST है उसके ज्योग्राफी और सिविक्स एंड जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं तो हमने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं। अगर आपको और कुछ चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी बुक के सारे चैप्टर्स इस वीडियो पर इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है एक बड़ा सल्तनत है, इसमें हमारी जो 5 डायनेसिटीज़ हैं तो वो इसमें इंक्लूड होती है। तो देखते हैं हम उनको। नीचे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसको हमें यहाँ पर लिख रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम एंड द मोन्यूमेंट्स, यानी कि ये जो मोन्यूमेंट्स है इसका नेम क्या है। तो इसका नेम कुतुब मीनार है, और वेयर इज लोकेटेड, ये दिल्ली में लोकेटेड है। एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोन्यूमेंट्स, मतलब इसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के ही एक किंग थे। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं तो टाइमलाइन में जो आपको दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है टाइम 12 CE से लेके और 15 CE तक का। ठीक है, और ये जो टाइम है ना 12 CE से लेके 50 CE तक का, तो ये है आपके दिल्ली सल्तनत का टाइम, यानी कि इस टाइम पे आपके जो है 5 डायनेस्टीज जो हैं वो यहाँ पर दिखा रखी है। पहला जो डायनेसिटी है वो है आपका स्लेव डायनेसिटी, ठीक है, और दूसरा है खिलजी डायनेसिटी, नेक्स्ट है तुगलक डायनेसिटी, और फोर्थ है इन्वेंशन ऑफ तैमूर, मतलब यहाँ पे बीच में इन्वेंशन हुआ था, ये फोर्थ नहीं है, फोर्थ ये है सैयद डायनेसिटी, और फिफ्थ नंबर की आपकी लोधी डायनेसिटी। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी 5 डायनेसिटी है जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था, है ना, दिल्ली में। सो इन्हें हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और इसमें बहुत सारे किंग हुए थे। ठीक है, अलग अलग डायनेसिटी के हिसाब से, जैसे हम देखें स्लैब, तो स्लैब में मोहम्मद गोरी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर आराम शाह आए, फिर इल्तुतमिश आए, फिर उनकी बेटी रजिया सुल्तान आई, उसके बाद में नसरुद्दीन शाह आए, फिर गयासुद्दीन तुगलक आए। तो ऐसे हर डायनेसिटी का एक पार्ट है, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली इसी को कवर करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द मेडिवल पीरियड, देखो दिल्ली विटनेस द चेंजिंग किंगडम एंड द एम्परर्स, मतलब मेडिवल पीरियड के टाइम में दिल्ली में काफ़ी किंगडम्स का, मतलब काफ़ी एम्परर्स का चेंजेस हुआ था। तुर्कीज रूलर एस्टेब्लिश देयर एम्परर इन द इंडिया 1192, यानी 1192 में जो तुर्कीज रूलर थे उन्होंने यहाँ पर अपना जो एम्परर है, अपना साम्राज्य है, वो एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी टुक ओवर दिल्ली आफ्टर डिफेटिंग पृथ्वीराज चौहान, यानी कि 1192 में जो है त्राइन का सेकेंड बैटल हुआ था। ठीक है, और 1191 में त्राइन का फर्स्ट बैटल हुआ था। फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल दोनों ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बिटवीन हुआ था। ठीक है, इनमें से जो है फर्स्ट जो बैटल है वो पृथ्वीराज चौहान ने बॉर्न किया था, और सेकेंड वाला जो है वो मोहम्मद गोरी ने बॉर्न किया था। ठीक है, और फिर उन्होंने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज अर्लियर बॉट बाय हिम एज स्लेव, तो मोहम्मद जो गोरी थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि एक स्लेव थे, स्लेव मीन्स गुलाम, है ना, मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे, तो हु वाज अर्लियर बॉट बाय हिम एज स्लेव, यानी कि वो स्लेव के रूप में उसको लेके आए थे। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द रूलर वर मोस्टली तुर्कीस एंड द वर्ड फॉलोअर्स ऑफ द इस्लाम, यानी कि यहाँ पर इस टाइम में जितने भी रूलर्स थे वो सब तुर्कीज थे, और तुर्कीज थे इसलिए वो इस्लाम को फॉलो करते थे सभी। ठीक है, दे आर कॉल्ड देमसेल्फ सुल्तान, तो इसलिए उनको सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, अब देखो जो हिंदू रूलर है ना उनको सुल्तान नहीं कहते, क्योंकि वो हम मुसलमान जो रूलर है, यानी कि जो इस्लाम को फॉलोअर्स होते हैं इस्लाम के, उनको हम सुल्तान कहते हैं। हैंड्स नेम ऑफ दिल्ली सल्तनत केम इन टू एक्सटेंस, इसलिए दिल्ली सल्तनत नाम जो है आया है दिल्ली सुल्तान से।
एंड दिस पीरियड वाज रूल्ड बाय द 5 डायनेसिटी। तो इस पीरियड में 5 डायनेसिटी ने रूल किया था, जो कि हमने टाइम लाइन में देख लिया है, और उनको हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेसिटी, यानी जो स्लेव डायनेसिटी है इसकी फाउंडेशन कैसे हुआ था और इसके कौन फाउंडर थे। तो सिंपल सी बात है, जो स्लेव डायनेसिटी है वो गुलामों की डायनेसिटी थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो कि त्राइन के जो उन्होंने बैटल को बॉर्न किया था, उसके बाद में वो जो मोहम्मद वो इस स्लेब को लेकर आए थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब था। तो उन्होंने जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने कुतुबुद्दीन को ही अपने बेटे की तरह एक तरह से माना है और पाला है। ही स्लेब्स बर एक्सीलेंट, यानी कि जो स्लेब्स जो कुतुबुद्दीन सॉरी मोहम्मद गोरी के जो स्लेब्स थे बहुत एक्सीलेंट थे दोनों ही कामों में, एक तो मिलिट्री है और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दोनों ही वर्क में वो एक्सीलेंट वर्क करते हैं। आफ्टर मोहम्मद गोरी, अब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई थी 1206 में, यानी कि सी में, एंड मैनी ऑफ हिज स्लेब्स डिक्लेयर देमसेल्फ टू इंडिपेंडेंट रूलर, यानी कि मोहम्मद गोरी के बाद जो उनके स्लेब्स थे बहुत सारे स्लेब्स थे, यानी काफ़ी गुलाम थे, तो वो अपने आप को रूलर घोषित करने लगे। अमंग देम, तो उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक बाज मोस्ट एफिशिएंट रूलर, उनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी एक स्लेब था, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट था, सो इसको सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है, तो 1206 यानी कि 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, और आफ्टर दिस जो है सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ नहीं हुई थी, वो मोहम्मद गोरी की डेथ हुई थी, और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि एक स्लेब था इसको सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, और द अर्ली सुल्तान्स वर आल्सो कॉल्ड मेमलुक्स मिंग स्लेब्स ऑफ द ओमन अरबिक, मतलब अरबिक लैंग्वेज में जो है स्लेब्स को, ठीक है, मेमलुक बोला करते थे। चलो, तो ये है स्लेब डायनेसिटी। अब हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिन्होंने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार को बनाया था। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका टाइम था 1206 से लेकर 10, यानी कि सिर्फ 4 साल ही कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। ठीक है, तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर बिकमिंग फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली कॉन्क्वर्ड अजमेर झांसी दिल्ली एंड मेरठ, यानी कि इन पे इन इन जगह पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था। ही वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, एंड बेनेवोलेंट रूलर, और ठीक है बिलीव्ड इन द चैरिटी, यानी कि वो चैरिटी में विश्वास करता था। ठीक है, वॉलेंट नेता मतलब एक तो वॉलेंट रूलर नहीं था। ठीक है, ही बाज आल्सो नोन एज लाखबख्श, और उसको लाखबख्श कहते थे। ठीक है, लाखबख्श का भी एक मीनिंग होता है गिवर ऑफ लाख्स, यानी कि एज ही बाज ग्रेट फिलोनोथ्रोपिस्ट, कुतुबुद्दीन बाज ए पैट्रॉन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको आर्ट और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही बुल्ड टू मॉस्क्यूज फर्स्ट है कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मॉस्क्यू, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो मॉस्क्यू है वो इन्होंने बनवाया था दिल्ली में, एंड दूसरा है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो उन्होंने अजमेर में बनवाया था। ठीक है, जो कि अजमेर की अजमेर में जो दरगाह शरीफ है वहाँ के उसके पास है। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द हाइस्ट मीनार कुतुबुद्दीन मीनार। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन जो मीनार है कुतुब क्या नाम है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसने उसकी फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप, ये है दो स्टेप बनवाई थी, इसके बाद ये ख़त्म हो गया था, तो जो नेक्स्ट रूलर था उसने इसको कम्प्लीट करवाया था। विच वाज द लेटर कम्प्लीटेड बाय द देखो ये आ गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको कम्प्लीट करवाया था, एंड ही एज एक्सीडेंटली और ये एक्सीडेंटली 1210 में ये जो है पोलो खेलते हुए और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे, यानी कि डेथ हो गई थी इनकी। अब कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन के बाद जो है इल्तुतमिश जो है उन्होंने रूल किया था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था। ठीक है, तो देखो सहामुद्दीन इल्तुतमिश बाज ए स्लेब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब था ये, बट लेटर ऑन ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ द फेस्ट मैनी चैलेंज, यानी कि इसने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया था, काफ़ी चैलेंज जो है इनके सामने आए थे, लाइक जैसे रिविलियन ऑफ द
नोबल्स विद इन इन टेरिटरी, यानी कि जो इसके जो टेरिटरी थी उसमें जो नोबल्स थे, यानी कि और जो कुछ स्लैब्स थे, ठीक है, उनसे भी इसका एक तरह से अटैक हुआ था, जैसे मंगोल्स हैं, ठीक है, बॉरियर ट्राइब्स हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जो वॉरियर्स थे उन्होंने भी अटैक किया था। तो ऐसे मतलब काफ़ी चैलेंज के बाद में ये जो है इन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन है वो हासिल किया था। ही डिफीटेड द राजपूत रूलर्स ऑफ उज्जैन, यानी कि उज्जैन के जो राजपूत रूलर्स थे उनको भी इसने डिफीट किया था, ठीक है, और रणथंभौर को भी इन्होंने डिफीट किया था जो कि राजस्थान में है। एंड ही आल्सो ऑक्यूपाइड लाहौर एंड मुल्तान, ठीक है, लाहौर और मुल्तान को भी इसने ऑक्यूपाई किया था, इनको भी इसने जीता था, मतलब डिफीट किया था, ठीक है, नसरुद्दीन खोवचा एंड गवर्नर ऑफ मुल्तान, और ये फिर बाद में मुल्तान का भी गवर्नर बन गया था क्योंकि ये मुल्तान को भी अपने अंडर में कर चुका था, ठीक है। तो इन्होंने जो यहाँ पर एक तरह से रूल किया था वो 11 से लेकर 36 किया था, यानी कि 25 ईयर्स रूल किया था इन्होंने, ठीक है। तो इनका रूल काफ़ी बड़ा था और इन्होंने काफ़ी वर्क भी करवाया था, ठीक है। ये जो अलाई दरवाज़ा का फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये भी दिल्ली में है, ये भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनकी जो उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनकी एक पुत्री थी यानी कि रजिया सुल्तान, जिसका नाम था, तो रजिया सुल्तान वाज द ग्रेट फीमेल रूलर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि कौन जो है एक फीमेल रूलर है, तो रजिया सुल्तान है। ही वाज 22, यानी कि ये चतुर थी एंड द प्रूडेंट और चालाक भी थी, जस्ट एज ए ग्रोसियर एंड बेनिफैक्टर ऑफ द हिज किंगडम, इसलिए इसने जो है अपने पिता की जगह मतलब एक तरह से रूल किया था, ठीक है। और आगे देखो, तो इल्तुतमिश हैव हैड मैनी सन्स बट नो वन वाज एंड एफिशिएंट, सॉरी, इल्तुतमिश पास जो है सन्स तो थे, मतलब बेटे तो थे, बट उनमें एफिशिएंट नहीं था कोई, मतलब ऐसा नहीं था जो कि रूल कर सके। सो रजिया सुल्तान जो थी एक डॉटर थी और उन्होंने रूल करना चाहा। सो बिफोर डाइंग ही चूज रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर, तो ये इल्तुतमिश ने ही चाहा था कि भाई मेरे बाद रजिया सुल्तान है वो यहाँ की एक तरह से क्यून बने। बट द नोबल बार डिसअपॉइंटेड विथ हिज चॉइस एज हिज वाज अगेंस्ट द पैट्रियार्चल सोसाइटी, मतलब इसने इल्तुतमिश ने तो चाहा लेकिन वहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक पैट्रियल सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पर जो है मेल की ही ज़्यादा मतलब बोलबाला होता है, तो उस सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। हैंस आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश दे चूज रुकुद्दीन फिरोज शाह, उन्होंने रुकुद्दीन फिरोज शाह को चूज किया था जो कि रजिया सुल्तान का ब्रदर था, उसको थ्रोन पर बैठाया था। बट रुकुद्दीन बाज एन इनएफिशिएंट रूलर, जो रुकुद्दीन था वो इनएफिशिएंट रूलर था, मतलब इफेक्टिव रूलर नहीं था। सो हु स्पेंट हिज टाइम, तो उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया किस में, एंटरटेनमेंट एंड द मैरी मेकिंग, ठीक है, शादियाँ करने में और एंटरटेन में उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। रजिया फेस्ड मैनी चैलेंजेज स्पेशली अपोजिशन फ्रॉम चलागानी, देखो चलागानी की अपोजिशन आ गई थी कौन, रजिया, ठीक है। चहलगानी जो होती है एक 40 तुर्कीज का ग्रुप होता है, मैं बताता हूँ आपको, यानी कि जो रजिया सुल्तान का मतलब एक तरह से इसके भाई का जो रूल था उसमें 40 तुर्कीज नोबल थे, ठीक है, एंड और कुछ बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स भी थे। तो इन 40 लोगों का जो ग्रुप था इसको बोलते हैं चहलगानी, क्या बोलते हैं चहलगानी। तो चहलगानी के अपोजिशन में कौन हो गई थी, रजिया सुल्तान हो गई थी, ठीक है, और फिर उन्होंने रजिया ने कैप्चर किया था थ्रोन को बाय द सपोर्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स, ठीक है, उनके फॉलोअर्स के सपोर्ट के द्वारा। और इस प्रकार से जो रजिया है वो एक तरह से क्यून बन गई। रजिया का पीरियड जो था वो शॉर्ट था, लेटर ऑन आफ्टर हिज डेथ, और उसकी रजिया की डेथ के बाद हर यंगर ब्रदर नसरुद्दीन ऑक्यूपाइड द थ्रोन, फिर उसके जो ब्रदर थे उसने थ्रोन को ऑक्यूपाइड कर लिया। बट हिज गार्डिशन गयासुद्दीन बलबन, यानी कि छोटे भाई थे कौन, नसरुद्दीन, इसलिए उनको गयासुद्दीन जो बलबन था उसको एक तरह से पेरेंट के रूप में, ठीक है, गार्डियन के रूप में इन्होंने इसका ध्यान रखा। एंड हैड टू बी नोबल वाज द पावरफुल मैन द बिकम द रूलर दिल्ली, और दिल्ली के जो एक तरह से पावरफुल बन गई थी उस टाइम ये डायनेसिटी। गयासुद्दीन जो बलवंत थे वो एक तरह से
गार्डिसन के रूप में थे, किसके? नसरुद्दीन शाह के। तो उस टाइम पे देखो ये जो कॉइन्स है ये इशू किए गए थे। आगे हम पढ़ते हैं वलवन डायनेस्टी आ जाती है, क्योंकि अब जो है स्लेब डायनेसिटी फिनिश हो गई है। गयासुद्दीन बलवन जो है एक तरह से रूल कर रहे थे इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि डायरेक्टली तो नसरुद्दीन शाह कर रहा था। बट जब नसरुद्दीन शाह की डेथ हो गई थी 1266 में, उसके बाद में बलवन जो है उन्होंने अपने खुद को दिल्ली का सुल्तान जो है एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इसके बाद मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। ही वाज स्ट्रॉन्ग मैन एंड बिलीव इन रूलिंग बाय पावर। वो एक अच्छे इंसान थे, स्ट्रॉन्ग इंसान थे, और वो मतलब पावर के साथ में रूल करने में बिलीव करते थे। ही एफिशिएंट प्रोटेक्टर हिज किंगडम फ्रॉम द अटैक ऑफ द मंगोल्स। उन्होंने अपनी किंगडम को मंगोल्स के अटैक के द्वारा अच्छे से प्रोटेक्ट किया था। ही इज हिमसेल्फ वाज ए स्लेव, मतलब वो खुद भी एक स्लेव था ऑफ इल्तुतमिश का। बट ऑलवेज वांटेड टू पीपल टू रेस्पेक्ट हिम लाइक ए गॉड। लेकिन वो चाहता था कि इल्तुतमिश को जो है वो भगवान की तरह ही मानता था और लोगों से भी ऐसी रेस्पेक्ट की उम्मीद करता था। द पर्शियन कस्टम्स ऑफ सिजदा पेबॉस एंड जैमिन बॉस वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज रीजन। मतलब उसके टाइम पे ये जो है कस्टम्स मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस हुए थे। दिस वर अपोज्ड बाय द पीपल बिकॉज अकॉर्डिंग टू डैम गॉड इज द सुप्रीम पावर। देखो तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो गॉड है वो ही सुप्रीम पावर होती है। वन अर्थली मैन कैन नॉट बी इक्वलेंट टू द एलिमेकली, मतलब भगवान ही सुपर पावर है, कोई भी अर्थ पर जो है जन्म लिया हुआ सुपर पावर नहीं हो सकता। जबकि गयासुद्दीन सुल्तान गयासुद्दीन बलवन थे, ठीक है, वो मानते थे ऐसा। तो बलवन जो है 1287 में उनकी डेथ हो गई थी, आफ्टर विच द स्लेव डायनेसिटी बिगन। और इसके बाद में जो है स्लेव डायनेसिटी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में जो नई डायनेसिटी है वो है खिलजी रोजअप पावर इन द दिल्ली, मतलब दिल्ली में खिलजी डायनेसिटी का रोजअप हो गया था, मतलब अराउज हो गई थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खिलजी के बारे में, ठीक है। खिलजी डायनेसिटी जो थी वो 1290 से लेकर 1316 थी, मतलब ये जो है कुछ 26 ईयर्स तक चली थी। खिलजी में जो पहला सुल्तान था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ही किल्ड ग्रैंड सन ऑफ बलवन हु वाज ए वीक सक्सेसर, यानी कि बलवन का जो ग्रैंड सन था वो एक बहुत ही वीक सक्सेसर था, मतलब किंग था, तो उसको इन्होंने मार दिया था। और दिल्ली के मतलब दिल्ली के थ्रोन पर ये मतलब किंग बन गए थे। ही वाज वेरी जेनरियस एंड काइंड रूलर। जो जलालुद्दीन थे वो बहुत ही काइंड रूलर थे, बट वाज ए कंसिडर्ड एज ए वीक एडमिनिस्ट्रेटर ड्यू टू द हिज फोर बियरिंग पॉलिसीज टू वार्ड द मंगोल्स। यानी कि ये एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन थे, यानी कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक था, ठीक है। ही रूल्ड 1296 तक इन्होंने रूल किया था। इसके बाद में इनके जो नेपू थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे अच्छे जो है खिलजी मतलब डायनेसिटी के अच्छे किंग थे। हु ब्रॉडली मर्डर्ड हिम व्हेन ही वेंट टू मीट हिम एलोन। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने अपने जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका मर्डर किया था, ठीक है, जब वो अकेले मतलब देवगिरी जो कॉन्क्विस्ट है उस पर घूम रहे थे तब उन्होंने इसका मर्डर किया था। अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि एक अच्छे पावरफुल रूलर थे। तो देखो ही वाज एंड एम्बिटियस एंड द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ द खिलजी। जैसा कि मैंने आपको बताया है सक्सेसफुल रूलर थे खिलजी डायनेसिटी में। ड्यूरिंग हिज रीजन, इसके टाइम दिल्ली सुल्तान एक्सटेंड बियॉन्ड द बिंध्याज अप टू डेक्कन, यानी बिंध्याज से लेके डेक्कन तक जो है दिल्ली सुल्तान एक्सटेंड हो चुका था। ही वाज ए ब्रिलियंट जनरल एंड सीवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड हुज एम्बिशन वाज द कॉन्क्वर वर्ल्ड एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। मतलब इसने अलेक्जेंडर खुद को घोषित किया था, क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और अब देख लेते हैं कॉन्क्विस्ट और एक्सपेंशन, किसने अपने जो डायनेसिटी है उसको कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड किया। तो देखो अलाउद्दीन अंडरटुक हिज फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात, यानी सबसे पहले अपने मिलिट्री कैंपेन को गुजरात में लेके गए थे 1299 में। और ही कॉन्क्वर्ड गुजरात एंड द टेरिटरी जैसे रणथंभौर है,
चित्तौड़ है, इनको उसके अपने अंडर में किया था, चित्तौड़ जो राजस्थान में है। एंड फिर ये गए थे साउथ में, इनका कैंपेन चला था साउथ में, और साउथ में जैसे इनके जो जनरल थे उनका नाम था मलिक कापूर, जो कि हिंदू थे, ठीक है, हिंदू स्लेब थे, और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। ही डिफीटेड द यादव्स, इन्होंने गुजरात में यादव्स को डिफीट किया था और देवगिरी को भी डिफीट किया था, ठीक है। काकते जो कि एक हिंदू डायनेसिटी है काकते, उसको भी इन्होंने वारंगल में डिफीट किया था। एंड अटैक द होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र, ठीक है, होयसल एक डायनेसिटी का नेम है, और जो कि द्वार समुद्र जिनकी किंगडम थी उनको भी इसने अपने अंडर में किया था। एंड पांड्याज एंड मालाबार एंड मैसूर, ठीक है, पांड्याज जो कि मालाबार पांडव जो पांड्य जो डायनेसिटी है वो मालाबार की थी, उसको भी अंडर में किया। तो कहने का मतलब जो मलिक कापूर थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक तरह से सेनापति थे। और ही आल्सो ओबरेन मदुरई रामेश्वरम, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने अपनी जो साउथ में जो बेल्ट है एक तरह से साउथ में जो है अपने एक्सटेंड की थी, मतलब अपने डायनेसिटी को। विद दिस एनेक्सेशन अलाउद्दीन खिलजी बिकम ए फर्स्ट किंग ऑफ द दिल्ली सुल्तान टू एक्सटेंड द हिज किंगडम ऑफ द साउथ नर्मदा, यानी कि साउथ में इतना ज़्यादा अपने डायनेसिटी को एक्सटेंड करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला किंग बन गया था। अब अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा था, इनके लिए ही अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखो, अलाउद्दीन खिलजी वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। अलाउद्दीन खिलजी तो थे बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनको इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में इसी लिए जाना जाता है। ही मेंटेन्ड ए ह्यूज आर्मी टू चेक द इंटरनल रिवॉल्ट्स एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वेशंस, यानी कि इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी को चेक करने के लिए और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ मतलब चेकिंग के लिए चेकिंग को मेंटेन किया। एंड ही प्रोवाइड नोबल फ्रॉम मेकिंग एन अलाइंसेंस, ही बैंड ऑल द असेंबलीज एंड द वैंक्वर्ड, यानी कि जो असेंबली होती थी तो उनको भी उन्होंने बैन किया। एंड इस पायंजी सिस्टम वाज आल्सो मेड मोर एफिशिएंट टू कीप ए चेक ऑन द कॉन्स्पायरेसी। आगे देखते हैं हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म में इसमें क्या हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये हुआ था कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी ह्यूज आर्मी को मेंटेन किया, उसके इंटरनल और आउटरनल पार्ट में जो भी कमियां थी उनको पूरी करने के लिए अलग अलग जो है नोवेल्स को एक तरह से लगाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी, ही इंट्रोड्यूस फिस्कल इकोनॉमिक रिफॉर्म टू सप्लीमेंट हिज इनकम, यानी कि उन्होंने अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए ही सीज्ड ऑल द रेंट फ्री लैंड होल्डिंग विच वर अर्लियर अलॉटेड टू प्रीस्ट, यानी कि जो ऐसे ज़मीन जिस पर मतलब रेंट फ्री थी वो, तो उनको उसने सीज कर दिया था। ही लिविड हैवी टैक्सेज ऑन द नोबल्स, और उन्होंने नोबल्स पर ज़्यादा जो टैक्स लगा दिया। एंड द लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज 50%, और जो ज़मीन का रेवेन्यू था, ज़मीन पर जो टैक्स था वो भी 50% इंक्रीज कर दिया ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 50%। एंड द सोल्जर वर पेड इन कैश इंस्टेड ऑफ काइंड, यानी कि सोल्जर को कैश देना उसने स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ही आल्सो कंट्रोल द प्राइसिस ऑफ कॉमोडिटीज, इंटेलिजेंट ऑफिसर वर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट ऑफ द मार्केट कंट्रोल मेजरमेंट, यानी कि मार्केट में कंट्रोल के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। ही आल्सो मेड अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द ग्रेन्स इन दिल्ली, और दिल्ली में ग्रेन्स की क्वान्टिटी को रखने के लिए जो बड़े बड़े स्टोर्स रूम भी बनवाए, एंड राजस्थान में भी। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, और अलाउद्दीन जब ख़त्म हो गए थे उसके बाद हिज जनरल मलिक, इनके जो जनरल थे मलिक कापूर,
ट्राई टू रूल बाय द पुटिंग हिज माइनर सन्स ऑन द थ्रोन। तो मलिक कापुर ने अपने जो बेटे थे उनको जो है थ्रोन पर बैठा दिया था और वो राज मतलब एक तरह से रूल करने की कोशिश कर रहे थे, बट बोथ आर कॉल्ड। लेकिन जो मलिक कापुर है वो और उनके बेटे दोनों को ही मार दिया गया था। द लास्ट खिलजी रूलर बाज खुसरो खान, ये जो है लास्ट खिलजी रूलर था, वो बाज किल्ड बाय द गाजी मलिक, जिसको गाजी मलिक ने मार दिया था। एंड गवर्नर ऑफ पंजाब गाजी मलिक जो थे, पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम, तो उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी यानी जो खिलजी डायनेसिटी का जो लास्ट रूलर था खुसरो, उसको मार दिया था। ही असेंट द थ्रोन बाय द एजूमिंग द टाइटल गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और जो गाजी मलिक थे उन्होंने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है थ्रोन पर एज्यूम किया, मतलब किंग बने वो, ठीक है। एंड फाउंड द तुगलक डायनेसिटी, और इसके बाद जो है तुगलक डायनेसिटी का स्टार्ट हो गया और फाउंडर जो है गयासुद्दीन तुगलक थे। नीचे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है, इन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक जो है रूल किया था। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, केस स्टडी में देखो, द तुगलक्स कम टू बी पावर इन 1320, यानी कि 1320 में तुगलक्स पावर्स में आए थे। दे कंटिन्यूड और इन्होंने 1399 तक रूल किया था, ठीक है, यानी कि काफ़ी टाइम तक। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ द तुगलकाबाद दिल्ली, जो दिल्ली में तुगलकाबाद है ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही फाइंड किया था। और ही वाज द एवल एडमिनिस्ट्रेटर, ये खुद एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही टुक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द फिश एंड ट्रॉग हिज लिबरल पॉलिसीज एंड एक्सटेंड टू द एरिया अंडर कल्टिवेशन, और इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने कल्टिवेशन के लिए जो एरिया है उसको भी क्या किया था, एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, मतलब खेती के लिए, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए। एंड ही चेकड करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसमें कहाँ कहाँ करप्ट लोग हैं और क्या क्या करप्शन हो रहा है, तो इसको भी इसने कंट्रोल किया था। बींग एन एफिशिएंट कमांडर ही कीप द मंगोल्स इन्वेडर आउट ऑफ द रीच ऑफ द किंगडम, यानी कि ये एक अच्छे कमांडर थे, एक अच्छे मतलब हम बोल सकते हैं सुल्तान थे, तो इन्होंने मंगोल्स को भी मतलब अपनी जो किंगडम है उसमें घुसने तक नहीं दिया क्योंकि इसने कंट्रोल किया। ही एक्सपेंड द दिल्ली सल्तनत एंड कंसोलिडेट इट बाय एस्टैब्लिशिंग पीस एंड द ऑर्डर इन द किंगडम, यानी कि इन्होंने शांति से यानी कि नॉट ट्रिबुलेंट्री तरीके से शांति से ही अपनी किंगडम को एक्सटेंड किया था, ठीक है। एंड ही अंडरटुक मैनी कंस्ट्रक्टिव मेजर सच एज बिल्डिंग ऑफ कैनल, यानी कि इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन के काम भी करवाए थे, जैसे बिल्डिंग ऑफ कैनल, ब्रिज बनवाए थे, रोड बनवाए थे, ठीक है, और कम्युनिकेशन के कुछ मीन्स है वो भी इन्होंने डेवलप करवाए थे। ही डाइड इन 1325 और इसमें ये ख़त्म हो गए थे। बैने पवेलियन बुल्ट प्रोसीड हिमसेल्फ बाय द न्यू सुल्तान एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो फिर इसके बाद में जूना खान जो थे इनके सन थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है वो सुल्तान बने थे उस मतलब सीट पे, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल का जो टाइम था वो 25 से स्टार्ट होता है 51 तक, यानी उन्होंने करीबन 25 ईयर्स तक रूल किया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो मोस्ट फेमस तुगलक रूलर थे, गयासुद्दीन तुगलक से भी ज़्यादा फेमस तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। हु वाज बेटर नोन एज मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। ही वाज ए लवर ऑफ आर्ट, या आर्ट के लवर थे, स्कॉलर ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल साइंस, मतलब ये पढ़े लिखे थे, एस्ट्रोनॉमी में इनको इंटरेस्ट था, फिलोसॉफी भी में भी इंटरेस्ट था, और मैथमेटिशियन भी थे। ही वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एक्सेलेंट कमांडर, अच्छे कमांडर थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। एंड ही वाज एक्सट्रीमली इनोवेटेड बट ऑल द स्ट्रेटजी फेल्ड बिकॉज ही इम्प्लांटेड देम इन ग्रेट हास्ट, मतलब इन्होंने अपने काफ़ी इनोवेशन के काम किए थे, मतलब कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे, बट इसकी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई थी,
ठीक है। अब इसने क्या क्या इसकी फॉलोसीज थी वो हम पढ़ेंगे, मतलब इसने क्या क्या गलतियाँ की थी, ठीक है। तो देखो, सम फॉलोसीज स्टेप टेकन बाय द हिम एज फॉलोज, इसने क्या क्या जो है गलत, मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना गलत डिसीजन लिए थे, तो इसमें बताया गया कि इसने क्या क्या गलत डिसीजन लिए थे अपनी लाइफ में। तो पहला इसका जो गलत डिसीजन था वो था राइजिंग टैक्स इन द दोआब रीजन, यानी जो दोआब रीजन था, दोआब एक जगह का नाम है, तो वहाँ के रीजन पर टैक्स इसने लगाया था। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक नीडेड मनी, उसको पैसों की जरूरत थी, सो उसने जो है दोआब पर टैक्स लगा दिया, हैंस द डबल टैक्स ऑफ द फर्टाइल एरिया ऑफ द गंगा यमुना, ठीक है। गंगा यमुना का जो फर्टाइल एरिया था जहाँ पर खेती होती थी, तो वहाँ पर इसने जो टैक्स है डबल कर दिया था। बट दिस स्टेप वाज नॉट टेकन एट द राइट मोमेंट एट द होल रीजन वाज इन ग्रिप ऑफ द फेमाइन, मतलब ये जो डिसीजन इन्होंने लिया था वो राइट मोमेंट पर नहीं लिया था, ठीक है। ये डिसीजन उन्होंने तब लिया था जब खुद लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, मतलब लोग जो है देने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो देयर फॉर द फार्मर्स रिएक्टेड स्ट्रांगली बाय द फीलिंग फ्रॉम देयर होम्स एंड सेटिंग देयर क्रॉप्स ऑन फायर, ठीक है। अल्टीमेटली द सुल्तान वाज फोर्स टू बी विदड्रॉ हिज ऑर्डर, तो उसके बाद जो किसान थे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और क्रॉप्स जो थी फसलें थी उनमें आग लगा दी। इससे जो सुल्तान है दुखी हुआ, क्योंकि जो उसका ये जो प्लान था टैक्स को राइज करने का, ये एक तरह से फेल हो गया, तो उसने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया, ठीक है। तो पहला तो ये जो है मिस्टेक थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अगली जो मिस्टेक थी, अगली जो गलती मोहम्मद तुगलक ने की थी, वो थी शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम आयरन दिल्ली टू तुगलकाबाद। इसने पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो किंगडम दिल्ली थी, इसने दिल्ली से तुगलकाबाद इसको ट्रांसफ़र किया था, मतलब शिफ्ट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलकाबाद मोटिवेट टू द ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, यानी कि उन्होंने दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद को अपना कैपिटल बनाया था। बिच वाज, और दौलताबाद जो था वो दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर था। द रीजन बिहाइंड इट वाज दौलताबाद वाज एक है सेंटर ऑफ हिज वास्ट एम्पायर, ठीक है। और इसने सोचा कि भाई दौलताबाद तक तो मेरा किंगडम है ही है, मतलब एक तरह से डायनेस्टी फैला हुआ है, तो दौलताबाद ही को ही राजधानी बना ले। बट शिफ्टिंग वाज एक कम्प्लीट फेलियर बिकॉज ऑफ टू रीजन, लेकिन ये जो दिल्ली से इसने किंगडम दौलताबाद को बनाया था ये भी फेल हो गया था, इसके दो रीजन थे। पहला, द एंटायर पॉपुलेशन वाज ऑर्डर टू शिफ्ट दिल्ली टू दौलताबाद, इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने कहा था कि वे जितने भी लोग हैं वो दिल्ली को छोड़ के तुगलकाबाद ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था एक तरह से। आगे देखो, नॉर्थ वेस्टर्न फर्नीचर वार एक्सपोर्ट टू अटैक द मंगोल्स एंड इट वाज मोर एफिशिएंट टू कंट्रोल दिल्ली बाय सिटिंग इन द दौलताबाद, ठीक है। इसका मानना था कि भाई जो है मंगोल्स पर कंट्रोल किया जा सकता है दौलताबाद से, दौलताबाद रिजर्वर कंट्रोल साउथ बाय सिटिंग इन दिल्ली। रियलाइजिंग दिस ही अगेन ऑर्डर टू पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली, लेकिन जो है इस जब दौलताबाद ही शिफ्ट हो चुके थे तो मुगल या मोहम्मद बिन तुगलक को लगा था कि दिल्ली पे अटैक कर सकता है मंगोल्स और फिर दिल्ली को कंट्रोल में कर लेंगे, तो फिर दिल्ली से सॉरी दौलताबाद से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए, ठीक है। और ये कुछ गलत डिसीजन थे। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ द टाका करेंसी। देखो, टाका करेंसी या जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, तो ये भी गलत साबित हो गई थी। कैसे? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक डिड हिज थर्ड ब्लंडर ऑफ द इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कोइंस इन 1330। ही प्लेस ऑफ सिल्वर कोइंस आर कॉल्ड टाका, यानी कि पहले जो थे वो ब्रॉन्ज के जो है पैसे चलते थे, लेकिन उसकी जगह इसने सिल्वर के कोइन चलाए थे टका। ही डिड दिस बिकॉज, इसने ऐसा किया क्यों चलाए, उसका रीज़न था ही वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्टेम्पोररी चाइनीज, यानी चाइनीज और ईरानियन जो रूलर थे उनसे ही इंस्पायर था। देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, तो वहाँ पर सिल्वर की शॉर्टेज थी। दीज ब्रॉन्ज कोइंस हैड टू बी सेम वैल्यू एज प्योर सिल्वर कोइन, यानी कि जो ब्रॉन्ज के सिक्के थे उनकी भी वही वैल्यू थी जो सिल्वर के सिक्के की वैल्यू है। सो द किंग ऑल्सो ऑर्डर दैट दे कुड बी ईजिली एक्सटेंड फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर, यानी कि वो किंग ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई हम अपने राज्य में क्या बनवाएंगे, सिल्वर के सिक्के बनवाएंगे। एंड दिस प्रोवाइड
टू बी ए मेजर फेलियर एंड ब्रॉन्ज वॉच कॉपर मटेरियल। देखो ब्रॉन्ज जो था वो चीपर मटेरियल था, तो ये भी इनका फेल हो गया था। ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कोइंस इन देयर होम्स। जो लोग थे वो घर घर में क्या बनाने लग गए, कोइन बनाने लग गए, यानी कि सिक्के बनाने लग गए। और सोचो अगर हम पैसे घर में ही बना लेंगे तो फिर पूरी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। क्यों? द डिज़ाइन ऑफ दीज कोइंस वार आल्सो वेरी सिंपल। मतलब ये कोइंस थे उनका डिज़ाइन बहुत सिंपल था, सो एनी वन कुड ईजिली कॉपी देम। कोई भी इनको कॉपी कर सकता था, मतलब कोई भी इनको बना सकता था, और ऐसा हुआ है। ठीक है, लोगों ने घर में ही क्या बना लिए, सिक्के बना लिए। सो ये भी मतलब प्लान इनका फेल हो गया। आगे है मिलिट्री एक्सपेडिशन। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने कराची और कुमान गहरवाल रीजन में मिलिट्री को एक्सटेंड किया था अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। इब्न बतूता था वो मोहम्मद तुगलक के दरबार में एक दरबारी था जो कि आया हुआ था। ठीक है, ही वाज रजिस्टर एज मैनी सोल्जर डाइड ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन। मतलब इन्होंने उस टाइम काफ़ी सोल्जर इस ख़त्म हो गए थे। ही वाज आल्सो इन्वेटेड कोरसन इन सेंट्रल एशिया बट आल्सो कॉज ए लोट ऑफ सफरिंग ऑफ हिज कंट्री एंड हिज सब्जेक्ट। अब मोहम्मद तुगलक के बाद में उनका जो सन था फिरोज शाह, ठीक है, वो जो है क्या बोलते हैं रूल किया उन्होंने, वो सुल्तान बने। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो फिरोज शाह तुगलक बहुत ही अच्छे किंग थे, इन्होंने जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन के काम भी करवाए थे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क था इनका जो है वाटर सिस्टम, यानी कि जैसे एक खेतों में पानी देने के लिए नहरें बनवाई थी। ठीक है, और भी काफ़ी काम करवाए थे। देखते हैं फिरोज़ शाह तुगलक रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज एंड बॉट वैक्स शरिया लॉज, यानी कि इन्होंने इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग रूल किया था। एंड इन्होंने काफ़ी चैरिटेबल मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है, जिन्हें दार उल सफा कहा जाता था, तो वो भी बनवाए। ही वॉज नोन एज द प्रोलिफिक बिल्डर, ही बिल्ट मैनी कैनल्स। देखो ये काफ़ी नहरें बनवाई, फोर्ट बनवाए, मॉस्क्यू बनवाए। ठीक है, और इन्होंने फिरोजपुर जो है नगर भी बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह ने फिरोजपुर नगर को बसाया था, फिरोजाबाद भी इन्होंने बसाया था। तो ऐसे मतलब काफ़ी काम करवाए थे इन्होंने। ठीक है, तो इनको सुल्तान जो पीरियड था उसका एज ए अकबर बोला गया था, क्योंकि जैसे मुगल्स में अकबर ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम करवाया था, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी मतलब इस सल्तनत में काफ़ी काम करवाया था। ठीक है, उसके बाद में अब हम देख लेते हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था फिरोज शाह तुगलक का वो कैसा था। तो देखो थोक मोहम्मद बिन तुगलक बाजिक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। मोहम्मद तुगलक जो थे वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन फिर भी स्टिल ही वाज क्रिटिस्ड फ्रॉम हिज रॉन्ग पॉलिसीज। लेकिन वो अपनी गलत पॉलिसीज के कारण जो है मतलब उन्हें पूरा नहीं कर पाए थे। एंड द ओलेमांस एंड नॉबल्स। ओलेमा जो ओलेमान कौन होते थे, ओलेमा वो होते थे जो कि अपोजिशन में होते थे, मतलब राजा के अपोजिशन में होते थे। ठीक है, ऑल लॉस्ट देयर ट्रस्ट ऑन हिम तो एंड विथड्रॉ देयर सपोर्ट। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, उनको उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, और एक तरह से वो ट्रस्ट मतलब ट्रस्टलेस हो गए। ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक पे कोई भी लोग विश्वास नहीं करते थे। ओलेमान वगैरह और नॉबल्स वगैरह थे, ये विश्वास नहीं करते थे उनको। चलो, ही बिलीव्ड इन द राइट डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंगशिप एंड हैंस कीप एब्सोल्यूट पावर इन हैंड्स एंड ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। तो इन्होंने अपने इतने बड़े जो एम्पायर थे इसको एक तरह से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। द मंगोल्स वर ऑलरेडी पेनिट्रेटिंग डीप इन टू इंडिया। मतलब मंगोल्स थे उस टाइम में काफ़ी अंदर तक, मतलब इंडिया के काफ़ी पार्ट्स तक अपने मतलब अधिकार कर चुके थे। देर बार रिवॉल्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। ही डाइड इन 1388। और ये इन्होंने काफ़ी रिवॉल्ट किया था अपने किंगडम में, और 1388 को ये डाइड हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। डूरिंग इल्तुतमिश
रीजन द एम्परर वाज डिवाइड इंटू फ्रेगमेंट्स ऑफ द लैंड एक ताज, मतलब जो एम्परर था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उन्हें एकता कहते हैं। एकता जैसे हमारे पास जैसे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है ना, ऐसे ही एकता होते थे, अलग अलग जो रीजन थे उनको बोलते थे। द नोबल एंड ऑफिसर्स वर गिवन एक ताज, मतलब नोबल और ऑफिसर्स थे उनको एकता दिया जाता था और एकता का उन्हें हेड बना दिया जाता था। इल्तुतमिश के टाइम ही रिटर्न द एकतादार्स हैड टू बी पे पोर्शन ऑफ द रिवेन्यू ऑफ द किंग, तो इन्होंने एकता जो प्रथा थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं द इन्वेशन ऑफ द तैमूर, तैमूर कैसे आए थे। तो देखो तैमूर वाज सेंट्रल एशियन तुर्क हु राइडेड इंडिया इन 1398, मतलब 1398 में वो आए थे। एंड ही वाज द रूलर ऑफ द समरकंद इन सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया में समरकंद जगह है वहाँ पे ये रूलर थे। हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है, ही बाजे लाइक स्ट्रॉम, मतलब वो इस्लामिक थे बट वो आए थे इंडिया में एज ए स्ट्रॉम, मतलब स्ट्रॉम की तरह आए थे, तूफान की तरह, आंधी की तरह आए थे। एंड डिस्ट्रॉयड एनीथिंग दैट केम इन हिज वे, और जो भी इनके रास्ते में आया था उन चीज़ों को इसने एक तरफ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। ही रैन स्केल दिल्ली, मतलब इसने दिल्ली की काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको फिनिश कर दिया था, मेरठ जम्मू है। एंड द तुगलक एम्पायर कुड नेवर रिकवर द ब्लो ऑफ द तैमूर इन्वेशन, तो उस तुगलक एम्परर था तो तैमूर के जो भी तैमूर के द्वारा जो भी नुकसान किया गया था इंडिया में तो वो उसको मतलब एक तरह से सहन नहीं कर सके। उसके बाद है सैयद डायनेसिटी, और देखो सैयद जो डायनेसिटी है वो उन्होंने रूल किया था 1414 से लेकर 51 तक, इनका बहुत छोटा टाइम था। एंड द मैन रूलर बार द खीजर खान, सैयद में मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड खिलजी आलम शाह, ये मतलब रूलर थे। द लास्ट रूलर जो था सैयद का वो था अलाउद्दीन आलम शाह फोर्ट विद बहलुल खान लोदी, यानी कि जो उन्होंने बहलुल खान लोदी के साथ में युद्ध किया था। एंड द लोदी डायनेसिटी वाज डिफीटेड, उस लोदी जो डायनेसिटी वो डिफीट हो गई थी, थस दिस लीड टू बी राइज टू बी लोदी डायनेसिटी। इसके बाद में सैयद डायनेसिटी आ गई थी। आगे हम पढ़ते हैं, देखो सैयद ख़त्म हो गई थी, उसके बाद में लोदी डायनेसिटी आ गई थी। द लोदी डायनेसिटी जो थी उन्होंने 1451 से लेकर 1526 तक जो है रूल किया था। लोदी डायनेसिटी के जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोदी, बहलोल लोदी बाजी गवर्नर ऑफ द लाहौर, जो कि लाहौर या सर हिंद के जो है सर हिंद के गवर्नर थे। ही फाउंडेड द लोदी डायनेसिटी, जिन्होंने लोदी डायनेसिटी को फाउंड किया था। एंड द थ्रो हिज मिलिट्री एक्सपर्टाइज, मतलब ये मिलिट्री में वर्कर थे। ही अनएक्सटेंड मैनी टेरिटरी, जैसे जौनपुर है, ग्वालियर है, सम काइंड्स ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट। एंड बहलोल लोदी एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ खान खानम, इनको खान खानम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी जो है जगह को अपने अंडर में लिया था, अपने डायनेसिटी के अंडर में। ही वाज ए टॉलरेंट एंड डिप्लोमेटिक रूलर एंड चेक द रिवेलेस नोबल प्रोटेक्टेड हिज किंगडम फ्रॉम द इन्वेसिस, और इन्होंने अपने जो किंगडम है उसको भी प्रोटेक्ट किया था, ठीक है, नोबल्स को चेक करते थे। फिर आता है इसी जो डायनेसिटी में सिकंदर लोदी, ही वाज द सक्सेसर बहलोल लोदी एंड ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल पावर, मतलब लोदी में जो सबसे पावरफुल जो था वो था सिकंदर लोदी, ठीक है, लोदी डायनेसिटी में। एंड ये जैसे वो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी था, ऐसे ही लोदी वंश में सिकंदर लोदी था, ये भी गुड एडमिनिस्ट्रेटर था एंड गुड कमांडर था, ठीक है। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था दिल्ली टू आगरा, मतलब दिल्ली से आगरा। उसके बाद में इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी ने रूल किया था 1517 में, ठीक है, मतलब बहलोल लोदी के बाद में। ही अपोज टू द रिवोल्ट ऑफ अफगान नोबल्स, यानी इन्होंने अफगान नोबल्स को एक तरह से अपोज किया था। एंड ट्राई टू बी सरप्राइज द नोबल्स, और उन्हें सुप्रियस किया था। एंड इन्होंने जो बाबर थे जो कि अफगान रूलर थे उनको भी इन्वाइट किया था।
बाबर जो कि काबुल के किंग थे टू हेल्प देम इन द ओवर थ्रोइंग इब्राहिम लोधी, बाबर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड इन्वेटेड इंडिया इन 1526। ठीक है, तो इन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को और वो मतलब उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वो है 1526 में इंडिया आ गया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोधी, यानी कि इन दोनों के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें जो है ये इब्राहिम लोधी जो है एक तरह से डिफीट हो गया था और मुगल डायनेसिटी एक तरह से बॉर्न हो गई थी और बाबर ने मुगल डायनेसिटी को यहाँ पे ले आया था। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो डायनेसिटी है वो मुगल डायनेसिटी है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका और इसके क्वेश्चन आंसर है तो मैं एक दो दिन में करवा दूंगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।